हेलो बच्चे, लेट्स फिट द क्वेश्चन टू एस्टैब्लिश एन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ आई एम्पियर इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ हाफ फैराडे द वैल्यू ऑफ डीवी बाय डीटी इज ओके। सो हमें इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट क्या दे रखा है, आई एम्पियर। आई डी की वैल्यू हमें दी हुई है आई, ठीक है। आई एम्पियर इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें दी हुई है हाफ फैराडे, ठीक है। हमें बताना है डीवी बाय डीटी की वैल्यू क्या होगी। अब देखो, जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा उसको हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, और क्यू की जगह हम लिख सकते हैं सी टाइम्स वी, जो चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स हो जाएगा, दैट वुड बी सी वी, ठीक है। अब देखो सी तो कांस्टेंट रहेगा, सी की वैल्यू बाहर आ जाएगी तो हो जाएगा डी वी बाई डी टी, ठीक है। अब देखो आई डी की वैल्यू क्या दी हुई है, आई, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करेंट हमें आई दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आई वुड बी इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, तो यहाँ से डी वी बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई अपॉन में सी, और सी की वैल्यू हमें दी हुई है हाफ, ठीक है। तो ये आ जाएगा टू टाइम्स आई, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू टाइम्स आई, यानी कि ऑप्शन ए में गिवन है। ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।